सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड करने का समय मिल पा रहा है मुझे। बीच में इलेक्शन हो गए थे और उसके बाद काफ़ी बिजी हो गया था, तो आज शनिवार का दिन है और इस समय जो है टाइम हो गया है लगभग 1:25 और आप देख सकते हैं, देखिए बाहर इस समय बारिश शुरू हो गई है नैनीताल में। और आपको मैं दिखाता हूँ बाहर चल करके, आप देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है नैनीताल में, आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, देखिए नैनीताल में हो रही है यहाँ पर झमाझम बारिश और आप देख सकते हैं, देखिए बाहर का नज़ारा आपको कितना खूबसूरत इस समय दिखाई दे रहा है, बाहर का नज़ारा देखिए। और इससे जो है लेक का जो जलस्तर है वो भी बढ़ जाएगा और जो काफ़ी गर्मी हो रही थी वो भी दूर हो जाएगी। बहुत ही झमाझम बारिश है यहाँ पर इस समय नैनीताल में देखने को मिल रही है आपको। तो गाइज आप देख रहे हैं, देखिए नैनीताल से बाहर का नज़ारा, और सोचा कि इसी के साथ साथ आप से जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर करूं। तो अभी इधर को वर्षा काल को देखते हुए जो है हमारे विभाग द्वारा जो है हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ सड़क मार्ग बंद होने की संभावना बनी रहती है और भूस्खलन की संभावना बनी रहती है, ऐसे क्षेत्रों को पूर्व में चिन्हित कर करके तो वहाँ 3 महीने का अतिरिक्त राशन वहाँ पर पहुँचाया जाता है विभिन्न हमारी जो उचित दर की दुकानें हैं उनके माध्यम से। और इस समय विभाग में ये कार्रवाई गतिमान है और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन क्षेत्रों में 3 महीने का राशन पूर्व से पहुँचा दिया जाए ताकि आपदा की स्थिति में या मार्ग अवरुद्ध होने में वहाँ पर आवश्यक वस्तुओं की किसी तरह से कोई कमी ना हो। तो विभाग का पूरा प्रयास चल रहा है और इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा गाइज, हमारी जो विभिन्न उचित दर की दुकानें जो हैं उनके माध्यम से वर्तमान में जो है गवर्नमेंट द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जा रहा है। कुछ लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये जो है हमारा चावल जो वितरित हो रहा है प्लास्टिक का चावल है, और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा रही है इस संबंध में। और इसका मैंने वीडियो भी अपने चैनल के में अपलोड किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो निर्देशानुसार हमारी जो विभिन्न उचित दर की जो दुकानें हैं इनके माध्यम से वर्तमान में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वे हमारे विद्यालय हों जनपद में और आंगनबाड़ी केंद्र हों, इन सभी में जो है फोर्टिफाइड चावल वर्तमान में वितरित किया जा रहा है। आम जनता को इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में कुछ लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि ये पोषक तत्वों से भरपूर ये चावल फोर्टिफाइड चावल है, और जबकि इसमें आयरन है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, इसके साथ साथ जिंक है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, ये सभी पोषक तत्व जो हैं हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। और लोगों में जो है एनीमिया की कमी हो जाती है, कुपोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जो हमारी उचित दर की दुकानें हैं इनके माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जा रहा है वर्तमान में। गाइज आपको ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब शिकायत प्राप्त हुई थी तो भारत सरकार की टीम इसी बीच में विजिट कर चुकी है यहाँ जनपद नैनीताल में, जो कि मिलों में गई और हमारे जो गोडाउंस हैं वहाँ गई और हमारी जो उचित दर की दुकानों हैं सभी जगह विजिट किया गया उनके द्वारा, और सैंपल लेकर के लैब में भेजा गया और लैब से जो है मानक के अनुरूप ही वो चावल पाया गया, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है कि कितनी मात्रा में उसको मिलाना है और इसमें किसी प्रकार से आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। गाइज इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगा, हमारे जनपद जो नैनीताल में 1,12,697 राशन कार्ड इसमें बने हुए हैं, जिसमें से 30,189 राशन कार्ड धारकों द्वारा KYC नहीं कराई गई है उनकी, और विभाग द्वारा जो है विज्ञप्ति जारी कर करके 31 मई तक का उन्हें समय दिया गया है, 31 मई से पूर्व जो है वो अपने
नज़दीकी जो हमारे जो सप्लाई इंस्पेक्टर के जो कार्यालय है, ऑफिस है, DSO ऑफिस है, वहाँ जा कर के अपने आवश्यक दस्तावेज वहाँ पर जमा कर दें, जैसे कि आधार कार्ड सभी सदस्यों के परिवार की और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ इत्यादि जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वहाँ पर जा कर के आप जो है पूर्ण कर लें, और समय के रहते ही आप जो है अपना जो है KYC करवा लें वहाँ पर। इसके साथ साथ जो गैस उपभोक्ता हैं गैस के, उनसे भी अनुरोध है कि अपने जो संबंधित जो आपकी गैस एजेंसी है वहाँ जा कर के आप अपनी ज़रूर KYC करवा लें उनकी। और इसके बाद जो है 31 मई के बाद ये राशन कार्ड ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। कई बार हमने जो है विभिन्न जो हमारी उचित दर की दुकानें हैं उन्हें जो है ऐसे जो यू स्टेटस के हमारे पास कार्ड हैं उन्हें उनकी सूची उन्हें उपलब्ध कराई गई है, और हमारे जो उचित दर विक्रेता की दुकानें हैं उनके बाहर जो है वहाँ पर से आप प्राप्त कर सकते हैं कि अपना राशन कार्ड नंबर और नाम देख करके कि आपकी KYC हुई है अथवा नहीं। यदि आपकी KYC नहीं हुई है तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप यथाशीघ्र जो है 31 मई से पूर्व अपनी राशन कार्ड की KYC करा लें ताकि आपका कार्ड निरस्त होने से बच जाए। और गैस कनेक्शन धारकों को मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा कि उन्हें जो है अपनी गैस एजेंसी में जाते समय जिनके नाम से गैस कनेक्शन है उन्हें जाना वहाँ पर अनिवार्य है। उसके साथ साथ आधार कार्ड ले जाएंगे आप, अपना मोबाइल नंबर देंगे वहाँ पर, और गैस की बुक अपने साथ ले जाएंगे और उसकी KYC ज़रूर करा लेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है आपसे। तो गाइज, इस समय वर्तमान में चल रही गतिविधियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। गाइज, आप देख रहे हैं, देखिए सरोवर नगरी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और आप सभी को मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने हेतु मेरे द्वारा ये कुमाऊनी में गीत तैयार किया गया। इस गीत को आप सभी ने पसंद किया और इसे काफ़ी प्यार मिला। तो गाइज, आप ये देख रहे हैं नैनीताल से रात का नज़ारा, और आप ये देख सकते हैं, देखिए बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है इस वक्त और हल्का कोहरा लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, देखिए गाइज। और यह है नैनीताल लेक, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख करके विभागीय योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।